गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है फिर से एक बार नए ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम लोग डिप्टी गाइस, जाने का तो रोज ही जाते हैं लेकिन आज ब्लॉग बनाते जा रहे हैं। पहले भी मेरा 2 ब्लॉग पेंडिंग पड़ा हुआ है एडिटिंग करने के लिए, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। और सर्दी लग रहा है मुझे, और मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो आज जा रहे हैं रिंग रोड साइड से, ताकि थोड़ा बहुत ब्लॉग बना सके। अरे बाप रे बाप, खड्डा, ये वाला रोड थोड़ा सा खराब हो गया है। एक ही को रूट से बार बार जाते हैं रोज, तो डेली ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता एक ही को रूट का, तो इसीलिए थोड़ा सा रूट चेंज कर रहे हैं आज। जाएंगे रिंग रोड होके मस्त से, और मज़ा आएगा आज। बहुत दिन के बाद ब्लॉग बनाएंगे गाइस। तो फाइनली अपना गोप्रो का, ये जो गोप्रो है ना, इसका जो है बैटरी कल ही आ गया, और वही बैटरी डाले हैं। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा देता है, अपना माइलेज दिखाता है जलवा। मुझे चार्जर भी चेंज करना होगा क्योंकि चार्ज बहुत ही स्लो लेता है, तो वो वाला चार्जर लेना पड़ेगा मुझे, जो बैटरी खोल के डालते हैं ना चार्ज करके, वो चार्ज करने के लिए बैटरी खोल के वो वाला चार्जर लेना पड़ेगा, ताकि जो है अच्छा से चार्ज हो सके। ये वायर वाला चार्जर है, जैसा मोबाइल चार्ज करते हैं ना वैसा चार्जर है, ठीक से चार्ज नहीं होता है। क्या बोलेंगे, मतलब जितना इसको वोल्टेज चाहिए चार्ज होने के लिए उतना वो दे नहीं पाता है, इसके वजह से बहुत ही स्लो चार्ज होता है, बहुत ही स्लो। 4 घंटा 5 घंटा चढ़ाते हैं तब जाके 3 खुट्टी 2 4 खुट्टी चार्ज होता है। तो पुराना वाला बैटरी है ना, वो बैकअप नहीं देता है, इसीलिए उसको निकाल दिए हैं। है बैग में है, मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत वीडियो बना सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बन जाता है, लेकिन बैकअप नहीं देता है। ये नया बैटरी है, इसका जलवा देखते हैं कैसा है, ये कैसा देता है बैकअप अपना, तो मज़ा आएगा अगर अच्छा बैकअप दिया तो। तो मौसम थोड़ा सा हल्का फॉग है, हल्का धुंधला है भाई, पंचर हो जाए ऐसा जगहों में ना बहुत दिक्कत होता है बहुत। इसीलिए गाइस जितना हो सके टू व्हीलर में ना रखना चाहिए टायर ट्यूबलेस टायर लगा के रखो, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगर पंचर भी हो जाए तो जहां तक पंचर दुकान है वहां तक आराम से आप जा सकते हो, आराम से धीरे धीरे। ओहो, ज़्यादा कटिंग नहीं तो हम कटिंग हो जाएंगे। मज़ा आता है चलाने में। तो गाइस आगे देख रहे हैं ना, बांस स्टैंड बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा लेकिन बन रहा है। बहुत ही स्पीड से काम हो रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। तो उधर कांके तरफ से नहीं जाएंगे क्योंकि उधर अभी जाम मिलेगा, तो रिंग रोड से होके इधर से ही चल जाएंगे। थोड़ा सा घूमना पड़ेगा लेकिन इधर से ही चल जाएंगे। अरे यार, स्लीप कर रहा था मेरा चक्का, अभी मेरा हो जाता कहाँ ले। बालू है ना गाइस, नीचे देख रहे हैं ना, बालू है। थोड़ा सा भी आप गाड़ी को ऐसा लीन करने के लिए करते हो ना, लीन करते हो तो स्लिप करता है टायर, इसीलिए हम बालों में एकदम सीधा करके चलाते हैं गाड़ी। कितना ऊंचा था, टोंगरी था, लेकिन इसको गड्ढा करके इतना नीचे कर दिया है, और अभी भी गड्ढा करिए रहा है, अब नहीं करेगा। जितना था करना कर दिया, अब ढलाई हो रहा है, देख रहे हैं, पूरा ढाल दिया उधर, इधर भी पूरा ढाल रहा है, अच्छा से बना रहा है। तो सर्दी है, छींक आ रहा है। अरे बाप रे, रोड खराब हो गया है ना जहाँ तहाँ, ये देख रहे हो, ये
तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, और वीडियो को शेयर कीजिए गाइस दबा के। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, नए लोग आते हैं देखते हैं मेरा, सब्सक्राइबर से ज़्यादा अनसब्सक्राइबर लोग, मतलब क्या बोलेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल के, चैनल को, वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं ज़्यादा। तो इधर क्यों आए हैं, इधर भगाने के लिए ही आए हैं आज, थोड़ा खींचेंगे बोल के। मजा आ रहा है गाइस, बहुत दिन के बाद इतना खींच के चला रहे हैं। पूरा गाड़ी हवा में, बहुत मजा आया। ओहो, डॉग को कोई मार दिया है, बहुत मजा आया। ओहो हो हो, बहुत ही ज्यादा मजा आया, खींचना चाहिए कभी कभी, नहीं खींचने से ना क्या होता है, जाम जाम लगता है गड़िया, और खींचने से ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा फ्री माइंड में चल रहा है गाड़ी, मजा आ रहा है। लेकिन बहुत दिन के बाद खींच रहे हैं शायद से, इसीलिए बहुत मजा आ रहा है गाइस, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। लेकिन यह है कि थोड़ा सा मेरा गाड़ी ऊपर उठता है, हवा में रहता है, ये थोड़ा सा मेरे लिए डेंजर है, जमीन मतलब क्या बोलेंगे, हाँ रोड छोड़ता है, रोड छोड़ देता है गाइस मेरा गाड़ी, इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या ही करेंगे, रोड छोड़ देता है तो। खींचने के लिए ही तो इधर से आए हैं रिंग रोड से, ताकि थोड़ा खींच के चला सके, उधर से चलते हैं ना खींच ही नहीं पाते हैं ज़्यादा, 60-70 के स्पीड से ज़्यादा खींच नहीं पाते हैं, इधर तो 100 से पार कर देते हैं। ओ भाई 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 भाई, भाई। काम चल रहा है, लेट्स गो गाइस, मजा आ गया आज तो। जा भाई, पार हो जाना चाहिए, हम ब्रेक लगा लेते तो। मुझे ऊपर से नहीं, मुझे नीचे से जाना है, रुक जाओ बहना। ऑटो वाला को देखो, रॉन्ग साइड आ रहा है, उधर से थोड़ा सा पार होके नहीं जा सकता। वाह रे ऑटो वाला, देखो आखिर वही रोड में आना था, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाड़ी चलाने का मन था, थोड़ा खुल के, बस अपना जो स्वाद सा वो पूरा हो गया। इधर देख रहे हो कितना भीड़ है, इसमें कहाँ चला हुआ गाड़ी, इतना
खींच ही नहीं सकते हो ज़्यादा। कितना खींचोगे? 60 से ज़्यादा नहीं खींच सकते, 60 100 70 तक, उससे ज़्यादा नहीं। कोई ना कोई आ जाएगा, फिर वही नुकसान वाला काम हो जाएगा, इसीलिए नहीं 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 आज मंडे है ना, तो आज मंडे है और सरस्वती पूजा था, इसके वजह से भी लोग काम धाम में नहीं जा रहे थे, लेकिन ख़त्म हो गया सरस्वती पूजा तो लोग जाएंगे ही, और रास्ता भीड़ रहेगा ही, अभी तो काम है, आने के समय और ज़्यादा रहेगा। देखो कहाँ खींचोगे, खींचने से क्या होगा, ब्रेक भी लगाना पड़ता है उतना जल्दी। कोई आगे आ गया ना तो ब्रेक भी नहीं लगेगा। इसीलिए ये वाला रोड में खास करके ज़्यादा नहीं खींचते हैं, हम कम ही खींचते हैं, 70-80 उससे ज़्यादा नहीं, अगर खाली रहेगा तो हाँ, लेकिन सुबह सुबह मज़ा आता है खींचने में। यहाँ पे मेन बात तो है डिप्टी भी देखना पड़ता है ना, डिप्टी को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, घर में इकलौता कमाने वाले हैं, मेरा शौक को हम मार दिए हैं फिलहाल तो, कुछ साल से, 3-4 साल से, 3 साल से शौक को मार दिए हैं, शौक जो मेरा शौक था ना घूमने का, बहुत घूमने का, वो शौक मार दिए हैं। ऊपर आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होता है, इसीलिए उस समय यूट्यूब के बारे में जानते तो थे, खूब वीडियो देखते थे, लेकिन कभी वीडियो बनाएंगे ये नहीं सोचते थे। ओ भाई, देखता भी नहीं है कि बगल में कोई चल रहा है कि क्या कर रहा है। ओवर ब्रिज का नीचे नीचे जाने में मजा है, छाया छाया मिलता है जगह, यहाँ तक ढलाई हुआ है, कल परसों ही तो ढाला है, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं गाइस, नहीं भाई सीधा नहीं चलेगा।